नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे, HW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नेताजी हाजिर हो को फिर हम उसी कलेवर में आपके सामने प्रस्तुत करने आए हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं भगवानपुरा क्षेत्र के विधायक केदार सिंह डावर, जो कि निर्दलीय विधायक के रूप में अपना अपने क्षेत्र में एक महती भूमिका निभा रहे हैं। लंबा राजनीतिक जीवन है उनका, लंबा अनुभव है, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं वो, और काफ़ी सुघड़ है, काफ़ी सुदृढ़ है उनकी राजनीतिक सोच। आज हम उनसे विभिन्न मसलों पर बातचीत करना चाहेंगे, उनके क्षेत्र की हम बातें करेंगे, हम कोरोना महामारी को लेकर बातें करेंगे, हम खरगोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर बातें करेंगे, और भी कई हम उनके उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए सवालों को हम उनसे जानना चाहेंगे। केदार जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन रहा आपका, आपके पिता भी जो कि भगवानपुरा क्षेत्र के वर्षों बरस विधायक रहे, स्वर्गीय चिड़ा भाई डाबर, एक आदिवासी जनजाति क्षेत्र में एक पहचाना हुआ नाम है, एक मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले वो नेता थे, और उन्हीं से आपने राजनीति सीखी। आज आप स्वयं वहाँ विधायक की भूमिका निभा रहे हैं। आपके स्वर्गीय पिता कांग्रेस के एक मजबूत जनाधार वाले नेता थे, और दिग्विजय सिंह के भी काफ़ी चहेते रहे, मतलब इस क्षेत्र में निमाड़ मालवा क्षेत्र में आदिवासी जो भी समुदाय है उनके एक छत्र नेता थे वो। क्या रहा, आपने क्यों आखिर कांग्रेस छोड़ करके आप एक निर्दलीय के रूप में आपने चुनाव लड़ा? देखिए पांडे जी, आपने जैसा कहा कि मेरे पिताजी कांग्रेस से इतने 4 बार विधायक रहे, निश्चित तौर पे हमारा पूरा परिवार मूलतः तो कांग्रेस परिवार का है, और मेरे पिताजी 4 टर्न भगवानपुरा धुलकोट विधानसभा से विधायक रहे। ये 4 टर्न रहना एक क्षेत्र की जनता का ही प्यार इसने था, जिन्होंने लगातार उनके जीते जी उनको विधायक के रूप में देखा, और उसी परिवार से और उनका बेटा होने के नाते मैं भी उनके साथ क्षेत्र में और अन्य कार्यों में हमेशा गतिविधियों में, क्योंकि परिवार में ये सब चीज़ें थी, देखने को मिला, समझने को मिला, और उनके साथ क्षेत्र की जनता का काम करने के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला, और उन्हीं से कुछ सीखा, समझा क्या करना चाहिए जनता के साथ, जनता के बीच कैसे रहना चाहिए। यही एक परिणाम था कि हम लोग पार्टी से जुड़े हैं और पूरा परिवार जुड़ा है। पिछले दिनों जब मुझे पहले 2 बार टिकट दिया भी था, लेकिन जो परिस्थितियां थी क्षेत्र में हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हम लगातार उसके बाद भी प्रयास रहे हमारे क्षेत्र की जनता के बीच में, हम पूरी टीम के साथ हमेशा सुख दुख में जो भी काम थे उसमें लगे रहे, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जनता की सेवा और जनता के सुख दुख में शामिल होने की रही है, वो चीज़ हमने नहीं छोड़ी जी, चाहे पद पे रहें या नहीं रहें। और हम लगातार पिछले 15 साल से हम विधायक नहीं रहे, अन्य लोगों को क्षेत्र में अवसर मिला जी, फिर भी हम लोग क्षेत्र की जनता से दूर नहीं। समय आने पे टिकट की मांग की गई क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता ने भी की, और पार्टी स्तर बड़े नेताओं को भी क्षेत्र की स्थिति से अवगत करा के टिकट की मांग करी थी जी। लेकिन पार्टी कुछ गाइडलाइन रही, और तत्कालीन सिटिंग विधायक हमारे कांग्रेस के विधायक ही थे जिनको हम लोगों ने ही मिल के बनाया जी, जी। सिटिंग MLA को ही टिकट दिया जाना ये तय कर लिया पार्टी ने, और टिकट जो हुआ वो नहीं हुआ था, उन्हीं को टिकट मिला। लेकिन 6
क्षेत्र की जनता जो थी। हाँ, बीच में मैं आपको एक समय ये हुआ था कि आपने चुनाव लड़ने का विचार त्यागने की बात हुई थी, लेकिन उस समय क्षेत्र से काफी मजबूती से आवाज उठी थी कि नहीं केदार जी आपको लड़ना पड़ेगा, ये हम बार बार सुनने में आया था। वो निश्चित तौर पर हमने पार्टी ने जब निर्णय कर लिया, पार्टी के लोग हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1967 से जी हाँ लगातार पार्टी ने हमको, हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को, हमारे काका जी को, और रिश्ते में हमको टिकट पार्टी ने दिया है जी। हम पार्टी के हम आभारी हैं और भरोसा जताया, और लगातार हम जब जब टिकट दिया जीत के पार्टी के पक्ष में काम किया, जनता की सेवा में काम किया। इस बार भी जब टिकट नहीं मिला, हमने तय कर लिया कि भाई हम लोग जो भी पार्टी ने लेने के उसके साथ जी जी। लेकिन क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, जनता थी, जैसा आप सब हम लोकल हैं जी, लोगों ने एक तरफा मांग उठाई कि हमको क्षेत्र बचाना है, और हमारी स्थिति ऐसी है कि जिस उम्मीदवार को पुनः टिकट दिया है हम उसको जिता के नहीं ला पाएंगे जी, क्योंकि उनका कार्यकाल पीछे, जो भी जनता ने आकलन किया जी, जी। जनता की नजरों में वो ठीक काम नहीं था, ऐसा उनका आकलन था जी, जी। और वो चाहते थे कि हमारी सीट विपक्ष में बीजेपी के खाते में न जाए या कांग्रेस के खाते से छूटे ना। इस कारण उन्होंने, सब ने निर्णय किया, सब जनता ने, आप भी देखे या मुझे घर पे भी आके सब लोगों ने सामूहिक रूप से कहा कि नहीं, हमारे लिए, क्षेत्र के लिए आपको फार्म भरना। और मैं आपको बता दूं, जनता का इतना प्यार था कि मैंने फार्म नहीं भरा, लेकिन जनता के, हमारे कार्यकर्ताओं ने ही विधानसभा का जो फार्म था जी, उसको भर के लाए, केवल हमसे हस्ताक्षर करवा कि आपको हमारे लिए जी। और फिर हमको निर्णय लेना पड़ा कि जो भी हो, क्षेत्र के लोगों का अगर मनसा है, उनके बीच हमेशा अपन रहे हैं और उनकी मनसा है, तो हम उनके खिलाफ नहीं जाए, जैसा भी निर्णय हो, जैसा भी परिणाम आए। हमने फार्म भरा, और आप जैसा सब आप लोग थे। हाँ, केदार सिंह जी सही बोल रहे हैं आप, मतलब उस समय खरगोन जिले में जो चुनाव हुए विधानसभा में, महेश्वर सीट पर भाजपा ने राजकुमार मेहो को टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय के रूप में लड़े, और उनको जो मत मिले वो भाजपा के कैंडिडेट से ज़्यादा मत मिले। आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय रूप से लड़े और यहाँ जीते। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो ही नेता रहे जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया, बाकी जितने नेता थे वो तो पार्टी सिंबल पर लड़े और जीते, लेकिन स्थानीय व्यक्तिगत छवि ये दो ही नेता प्रमाणित कर पाए, एक राजकुमार मेहो और एक केदार सिंह डाबर। तो इसके पीछे आप सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? स्वाभाविक है जनता का ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पिताजी का भी इस पे। सबसे पहला योगदान तो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, भगवान जी जी उनको ही जाता, उनका एक जो भरोसा था, जो मेरे पिताजी के समय से जनता का जो एक आत्मीयता भरोसा था कि ये लोग क्षेत्र की जनता को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, उनके अच्छे के लिए जो करना चाहे ये लोग करते हैं। पिताजी ने भी 20 साल तक रहे, पर क्षेत्र की जनता की किसी भी काम के लिए आधी रात के लिए खड़े रहे, चाहे कोई भी सीएम रहा हो, और सारे जितने भी उनके कार्यकाल में जितने भी प्रदेश के सीएम रहे, उन्होंने आत्मीयता से सहयोग किया क्षेत्र के काम के लिए। जो काम कहा उन्होंने किया, आधी रात को भी कहा तो उठ के उन्होंने बात सुनी और उस काम को किया। वही भरोसा जनता का था कि मुझ में भी उन्होंने वो देखा कि ये काम ये करेंगे। और हमने पिछले पद पे नहीं रहते हुए, जब हमको टिकट मिला, हम लोग नहीं जीत पाए, उसके बावजूद भी हम लोग, हमारी पूरी टीम के साथ पूरे क्षेत्र में कोई भी बात होती थी, कोई भी समस्या होती थी, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। वही भरोसा था और जनता ने उसी भरोसे को अंजाम दिया, और हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी तादाद में इतना जन समर्थन देके दोनों नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों को पीछे करते हुए आदिवासी क्षेत्र में
मैं एक बात और बता दूं जी जी कि आदिवासी क्षेत्र के लोग, आदिवासी समाज के लोग दो ही चुनाव चिन्ह जानते हैं, जब भी चुनाव आए जी, बीजेपी और कांग्रेस। दूसरे चुनाव चिन्ह को विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहचानते। एक बड़ी, मतलब आपके सामने एक चुनौती थी कि अपने चुनाव चिन्ह को भी प्रचारित करें। इतनी चुनौती थी जी, हम लोगों को कहा भी गया कि हमारी जो टीम थी कि भले पढ़े लिखे लोग हैं, निर्दलीय चुनाव कैसे लड़े। और ये भी लोगों ने समस्या की कि यार इतने मजबूत कैंडिडेट होने के बाद भी पार्टी ने इनको टिकट क्यों नहीं दिया। ये बातें भी है। जी हाँ जी। लेकिन वास्तव में निर्दलीय चुनाव लड़ना और आदिवासी क्षेत्र में चुनाव लड़ना एक नए सिंबल को लेकर बहुत कठिन काम है। जी हाँ, बहुत कठिन काम है, इसलिए कि गांव फले कस्बे दो दो घर का हमारा ट्राइबल एरिया पहाड़ी इलाका, नया चुनाव चिन्ह 12 दिन में नामांकन भरने के बाद 12 दिन में वहां तक पहुंचाना और उनको समझाना और वोट लेना बहुत कठिन। लेकिन पूरी जनता हमारे साथ थी और जहाँ जहाँ मैं गया, मैं चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक दिन मैं 35 से 40 किलोमीटर हमने गाड़ी छोड़ के पैदल चले जी, सुबह 8 बजे से हमारा। पर जहाँ जहाँ गए वहाँ जनता का खूब समर्थन मिला और महिला पुरुष इतनी आत्मीयता से मेरा जो एक समर्थन किया, यानी परिवार में एक सगे भाई को जो देते हैं उस तरह से मुझे समर्थन मिला और इतना भरोसा जताया। मैंने कहीं पे प्रचार के दौरान अपनी बात कही कि भाई अपन विधानसभा चुनाव नहीं, अपन पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो पंचायत चुनाव में हमारे बहुत सारे चुनाव चिन्ह होते हैं, सरपंच के चार चार पांच पांच खड़े हो जाते हैं, पर हम अपने पसंद के उम्मीदवार को उसका जो भी चुनाव चिन्ह है उसको ढूंढ के हम ठप्पा लगाते हैं। सही। तो ये चुनाव भी वैसा ही है, अपना फूल पंजे सब को छोड़ के अपना चुनाव चिन्ह नया है, अपन लोग जहाँ हैं वहीं हैं पर चुनाव चिन्ह अपना नया है। तो कुछ हमारे पुरुष भाइयों ने कहा मेरी जो सामने भाई बोले, अपन को बाहर छोरा महिलाओं को समझाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है कि चुनाव चिन्ह अपना नया। तो मुझे वो बात याद है, लगभग 100 महिलाएं भी वहाँ थी, तो उनमें एक हमारी बहन ने खड़े होकर कहा, भाई हमारी भाषा में कहा जी, तू फिकर ना करे, हम सब मालूम छे कि आपनो ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह छे ना 8वां नंबर पर छे। और जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आँख में मेरे मतलब एक आंसू आए जी, कि एक हमारी इस पहाड़ की महिला जो ठेठ अम्बा में रहती महाराष्ट्र में जी, उसने मेरे को ये उठ के कहा सबके बीच में कि आदमी तो थोड़ा बहुत इधर उधर लेके पड़े रहेंगे पर हम नहीं भूलेंगे और हम वोट देंगे। उस रोज मैंने तय कर लिया कि मैं हारू या जीतू मैं आज विधायक बन। जब एक हमारी इतनी ठेठ गांव की हमारी बहन ने इतना किया। बहुत ही सही बात कही आपने, जब जनता किसी को दिल से चाहने लगती है तो आप कोई सा भी, चाहे आप पहली बार वो सिंबल लेके खड़े हों या आप वो 10 बार सिंबल लेके खड़े हों, अगर आपसे आपके विपक्ष में है जनाधार जनता, तो भले ही आप 10 चुनाव जीतते आ रहे हों, अगर जनाधार विपक्ष हुआ तो वो आपको जीतने नहीं देगा। लेकिन अगर दिल से आपको चाह लिया है जनता ने, जो कि आप क्षेत्र में सेवाएँ लगभग 4 दशक से आपका परिवार 4-5 दशक से करते आ रहा है उस क्षेत्र में, स्वाभाविक है वो जनता ने देखा और आपकी भी जो सक्रियता रही उसको उन्होंने माना और बहुत ही ज़्यादा इसने और बहुत प्रेम मिला आपको और एक अच्छी जीत निर्दलीय होते हुए भी आपको वहाँ पे मिली। लेकिन एक सशक्त नेता के रूप में उभरने के बाद आदिवासी अंचल में बहुत सारी समस्याएं भी है, पर्वतीय अंचल है, जैसा कि आपने कहा कि आज भी कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे टप्पे मजरे बने हैं, जहाँ पर कि आप लोग पैदल भी जाना पड़ता है, सड़कें नहीं थी, बहुत सारी एक समस्याएँ थी। तो सबसे पहले क्या विचार आपके मन में आया और आप वर्तमान स्थिति में आप विकास को लेकर
किस पायदान पे खड़े हैं? पांडे जी, आप जो बातें आप बता रहे हैं जी, निश्चित तौर पे हम लगातार पिताजी के साथ भी घूमे क्षेत्र में, पिताजी के नहीं रहने पे भी हम क्षेत्र में लगातार घूमते रहे। हमारा आदिवासी समुदाय गांव में रहता, गांव के बाद फलिया बन जाता, फलिया के बाद और खेत में बन जाता जी। तो निश्चित तौर पे जो शासन की सुविधा एक समूह गांव को मिलना चाहिए वो तो आसानी से मिल जाती जी। लेकिन गांव फले और वो उस टप्पर पे खेत पे तक वो कोई सुविधा शासन की पहुंचाना है या कोई योजना लागू करना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। और ये हमने नज़दीक से देखा। हमारे पेयजल की गांव में बहुत तकलीफ होती है, पहाड़ी इलाके में है। यहाँ अगर हमने एक समूह गांव में हेडपम्प शासन का कराया योजना और किसी कारणवश वही वहाँ कुछ हमारे समुदाय में कभी लगातार कोई बीमारी के कारण या अन्य कारण कोई मौत हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो वो समूह उठ के अपने खेतों में चले जाता और खेतों से और जगह चले जाता जी। वो हेडपम्प खुदा वहाँ नहीं ले जा सकते, फिर नया सिरे से हमको वहाँ। तो ये पेयजल की जो समस्या, हमने एक धारणा बनाई थी कि हमने हमको पानी की सुविधा करना है, एक बत्ती कनेक्शन लेना और आवागमन के साधनों को सुलभ बनाना ताकि जल्दी से आवागमन का साधन होगा तो मुख्यालय तक खबर आ जाए, या कोई बीमार हुआ या कोई जननी सुरक्षा का मामला हो तो आसानी से वहाँ एम्बुलेंस चले जाए और बेहतर तरीके से सुविधा मिल जाए। तो इस चीज़ पे हमने फोकस किया। हम लगातार चुनाव जीतने के बाद लगातार हम शासन से हम ये मांगे करते आ रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत भी हमने बहुत सारी रोडें अभी सेंक्शन कराई और काम चालू है, उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें कि हमारे यहाँ क्या बहुत सारी दिक्कत, डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थी। हमने लगातार मेरे क्षेत्र में जो PSC है वहाँ डॉक्टर की मांग करी, कुछ डॉक्टर पोस्टिंग हो गए, कुछ आ गए, कोई PG के लिए कोई नर्सें आ गई, तो थोड़ी थोड़ी सुविधाएं अब मिलने लग गई। शिक्षा का बहुत बड़ा हमारा एक हब है, पूरा क्षेत्र ट्राइबल है और अच्छे पढ़ने लिखने वाले हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, हायर सेकेंडरी तक की तो उनको सुविधा वहाँ पे है। लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज की बात आती है तो वो सुविधा नहीं होने से पूरे हमारे क्षेत्र के जो भी छात्र छात्राएं हैं जी, सब खरगोन कॉलेज पे डिपेंड है, या यहाँ नहीं मिला तो इंदौर। तो सीटें को अभाव में, जगह के अभाव में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, और कुछ तो प्राइवेट कर लेते हैं, बाकी लोग वहाँ की एजुकेशन वहीं ख़त्म होके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, गरीब लोग हैं, सुविधा नहीं, तो अपना पूरा जीवन वहीं से ख़त्म हो। उसको ध्यान में रखते हुए हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री, शुरुआत सरकार कमलनाथ जी की बनी, हमारी पहली मांग यही हुई कि भगवानपुरा में और शेराव में महाविद्यालय खोले जाएँ ताकि बच्चों को हायर सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा उनको वहीं मिले। पूरी तरह से फाइल कंप्लीट यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से, जिला योजना के माध्यम से जो जो उसकी रिक्वायरमेंट, हमने शासन स्तर पे वो जानकारियाँ उपलब्ध करा के उसको स्वीकृति के उसमें ला दी थी। लेकिन उस बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो फाइलें रुकी, और पुनः हमने नए सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार बनी। तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी हमने इस संबंध में चर्चा की और उन्होंने कहा है कि केदार भाई आपके आदिवासी क्षेत्र है और हम निश्चित तौर पे आपकी एक जो मांग है उसको स्वीकृति देंगे, और वो प्रक्रिया में है। तो हम इसको पूरी ताकत के साथ हमारे क्षेत्र के आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए हम ये लाने के लिए पूरी तन्मय धन भिड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया चल रही है हमें भरोसा है कि हमको आगामी सत्र में, आने वाले समय में जब भी मध्य प्रदेश में
महाविद्यालयों की स्वीकृति होगी, निश्चित तौर पर भगवानपुरा और सेगांव के लिए महाविद्यालय। एक निर्दलीय विधायक होने के नाते आपको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि आज सत्ता, एक तो सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ करा, आप कांग्रेस छोड़ करके निर्दलीय लड़े, कमलनाथ की सरकार आई, फिर अब शिवराज जी की सरकार है, इस इन दोनों के पार्टों के बीच में से एक निर्दलीय विधायक कैसे अपने क्षेत्र के लिए सुविधाएं लेकर के आता है, किस प्रकार से वो अपने लोगों को संसाधनों से लेस करता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और इस कोरोना काल में जो खरगोन जिले का 100% हम कहें आदिवासी बहुल क्षेत्र, अगर हम कह सकते हैं तो भगवानपुरा क्षेत्र, कुछ परसेंटेज है वहाँ दूसरी जातियों का, लेकिन पूरी तरह से वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में कोरोना काल में एक लंबी लड़ाई लड़ी विधायक, निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने, हम उस संघर्ष को कोरोना काल के दौरान जो उनके संघर्ष रहे वहाँ चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, उनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। मैं बबलू गुप्ता, अध्यक्ष प्रेस क्लब से गांव, यह आह्वान करता हूँ कि पश्चिम निमाड़ के आदिवासी बहुल जिले खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। खरगोन जिला पहले भी बहुत सुविधाओं से वंचित रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज इस जिले की मांग है, हम सब की मांग है, और ये खरगोन मुख्यालय पर होना चाहिए। खरगोन जिला आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, खरगोन जिले में हम भी आते हैं, खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। मुकेश पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सेगांव। जो जिला मुख्यालय पर मांग चल रही है मेडिकल कॉलेज को लेकर, वो जिला मुख्यालय पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जिला मुख्यालय पे होने के से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको सुविधाएं मिलेगी। मैं राकेश पटेल, ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव से ये मांग करता हूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की मांग के अनुसार खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज होना आवश्यक है। खरगोन में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास से कॉलेज इधर इंदौर है, इधर सिंधवा है, तो मतलब बहुत बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। मैं पंडितनाथ गुप्ता, सेगांव। जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र होने से भी, और यहाँ के बच्चे उनके पढ़ाई के लिए बहुत दूर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जाना पड़ता है, और इसके लिए हमारे क्षेत्र के सभी विद्यार्थी भी अच्छे जो होनहार है, पढ़ने लिखने में तेज है, वो भी मेडिकल के लिए भटकते और उनका नंबर नहीं लगता है, इसलिए खरगोन जिला मुख्यालय पे एक मेडिकल कॉलेज होना अनिवार्य है और शीघ्र इसको स्वीकृति मिलना चाहिए। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान हैं निर्दलीय विधायक भगवानपुरा क्षेत्र से केदार सिंह डाबर, जिनसे हम उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन, उनकी क्षेत्रीय जो राजनीति है उसके बारे में, क्षेत्र में किस तरह से वो संसाधने आदिवासी समुदाय को उपलब्ध करा रहे हैं, और कोरोना काल के दौरान उनकी क्या परेशानियां रही, कैसे उन्होंने वहां पर संसाधन जुटाए, क्योंकि बहुत ही पर्वतीय क्षेत्र है भगवानपुरा क्षेत्र, जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, और उस स्थिति में महाराष्ट्र में ज़्यादा संक्रमण चल रहा था, वहाँ से लोगों की आवाजाही हो रही थी, उनको रोकने के लिए भी वहाँ पर स्थानीय विधायक को ही बार बार पुलिस से संपर्क करना पड़ रहा था, स्थानीय लोगों को बोलना पड़ रहा था, चिकित्सा की सुविधाएं कमी, छोटे हॉस्पिटल, उनका उन्नयन नहीं, बहुत सारी परेशानियाँ थी। केदार जी, कोरोना काल में किस तरह से आप वहाँ पर संसाधन जुटा पाए, किस तरह से आपने लोगों को अवेयरनेस के लिए तैयार किया, एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी आपके सामने। निश्चित तौर पर पांडे जी, मैं बता दूं कि
पूरा आदिवासी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र है, संचार का साधन नहीं है, मोबाइल भी कहीं जाके पहाड़ियों में टावर टकेड़ियों पे चढ़ के लोगों को लगा के सूचना देना पड़ती है, तो भी खबर मिल पाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कोरोना काल के समय में बहुत एक कठिन समय गुजरा, जो पिछले 1.5-2 महीने से हमारी विधानसभा महाराष्ट्र से लगा हुआ और पहाड़ी क्षेत्र की अधिकांश जो रिश्तेदारियां भी है महाराष्ट्र में जी, व्यापार भी अधिकांश उधर से कर, और जो क्षेत्र में जो हमारे को महाराष्ट्र से जो इधर आए और जो बीमारी फैली, संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी और अभी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से जिला प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग से मिल के बात करके और जो भी थी वहाँ स्थानीय स्तर पर सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया और प्राथमिक ट्रीटमेंट वहीं देने का प्रयास किया। इस काम में इसको एक मजबूती से रोकथाम के लिए और वहाँ लोग इस बीमारी को रोकने के लिए जो हमारी टीम के लोग थे, हमारे जो सरपंच लोग थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे, बड़े थे वरिष्ठ, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सब ने बिना सरकार के, बिना पुलिस के, सब ने ये तय किया कि अपने अपने गांव में सब लोग जी मिल के अगर कोई बीमार है या कोई है तो तुरंत उन्होंने अपने स्तर पे सुविधाएं जुटा के उसको वहीं ट्रीटमेंट दिया, ज़्यादा कोई बात आई तो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक खबर करके उसको लिया और सब ने एक दूसरे को वहीं गांव में आवश्यकता किसी की, इस मजदूरी पैसा लोग हैं जो लोग मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका जैसा ये एक फसली हमारी खेती है, हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, कमजोर है, तो उन लोगों को भी हमारी टीम ने सब ने मदद करी, ग्रुप बनाया और उनको भोजन कराने का काम, उनके आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया। और इस बीच हमने प्रयास किया कि जो चीज़ों के, जिस चीज़ की आवश्यकता है और जिसकी कमी के कारण उपचार में कमी आ रही और उससे जान भी जा रही जी, तो हमने विधायक निधि से जो भी राशि, जितनी भी राशि लग रही थी, हमने पूरी चिट्ठी, हमने पहले स्पेल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बॉटल, मशीन, तो उसमें जो लगने वाली अन्य सामग्री, ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन मशीनें, ऑक्सीमीटर जो फ्लो मीटर, जो जो कमी थी उसके लिए तत्काल हमने चिट्ठी लिख के हमारे क्षेत्र में उस चीज़ों की उपलब्धता कराने का प्रयास किया और उसका लाभ दिलाने का। पहले उसमें 21 लाख रुपए दिए, बाद में हमने फिर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अलग से उसकी पैसा दिया, फिर अभी आईसीयू बेड 10-10 बनाने के लिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे भगवानपुरा सेगांव, 10-10 आईसीयू बेड बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए उसकी जो सामग्री आती है उसके लिए हमने अलग से और पैसा विधायक निधि से दिया। ऐसा करके हम हमारे क्षेत्र की जनता को जो सुविधा उसको वहीं मिल जाए, ये प्रयास किया हम लोगों ने। और मास्क खूब पूरे बंटवाए कि भाई उनको एक जागरूकता लाने के लिए भी हम लोगों ने जगह जगह हमारी टीम के लोगों ने खड़े रह के लोगों को कहा कि भाई इससे ये अपनी बचाव होगा, ये शारीरिक बचाव होगा, शारीरिक डिस्टेंस बनाने से अपन को कोरोना जल्दी पकड़ेगा नहीं। टीका लगाने के लिए हमने सबको प्रेरित किया ताकि ये टीका लग जाने से लोगों की जो भ्रांतियाँ थी कि कहीं जगह कुछ मौतें हुई टीका लगने के बाद हुई, जी जी, तो टीके से नहीं हुई होगी, लेकिन अन्य कारण भी उसको हो सकते हैं, लेकिन एक भ्रांतियाँ फैल गई कि वो फलाने को टीका लगा और वो उसके साथ ये घटना, तो इससे भी लोगों का एक भ्रांति फैली थी कि टीका नहीं लगाना, तो उसके लिए भी जागरूक किया। और अब लोगों की
कोरोना के टीके लगाने लग गए और अब इसकी आवश्यकता समझने लग गए। भगवानपुरा जैसा एक पर्वतीय क्षेत्र जहां पर कि आपने बताया कि कोरोना के दौरान बहुत सारी सुविधाएं आपने जुटाई और एक प्रशासनिक आपकी टीम और वहां की जो स्वास्थ्य टीम थी उसका एक समन्वय ऐसा रहा कि समन्वय के कारण काफ़ी हद तक आप क्षेत्र में कोरोना को कंट्रोल कर पाए, ना वहां इस क्षेत्र में इतनी मौतें हो पाई और ना ही ज़्यादा ये समस्याएं आई कि वहां पे संसाधन नहीं, दवाइयां नहीं हैं। केदार भाई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर जिला मुख्यालय पर आपने समर्थन किया है, आपने एक खुला पत्र दिया है, अगर ये मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में पहले आ जाता तो क्या लाभ होता? और ये लाभ तो खैर सबके सामने ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही जो मेडिकल कॉलेज दो बार हमारे यहाँ से चले गया और अभी भी हमको जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है? पांडे जी, मैं बता दूं कि आपने जैसा कहा खुला पत्र लिखा जी, निश्चित तौर पे अपन हम लोग जनता के लोग हैं, जनता ने अपन को खुले मन से एक समर्थन दिया, समर्थन दे के विधानसभा तक पहुँचाया, तो उनकी भावना जो थी है कि भाई जो एक जन सुविधा होना चाहिए जनता के लिए होना चाहिए और जो आवश्यक चीज़ है हर किसी के लिए, उसमें मेडिकल में ना तो कोई जात पात पार्टी बंदी कुछ नहीं, बीमारी आई तो सबको इलाज, सबको इलाज कर। तो हमने हमारे क्षेत्र की जनता से कई बार चर्चा, उनकी बात उनकी मांगों को ध्यान में रख के मेडिकल कॉलेज के लिए जो हमने पत्र लिखा, हमने जनता के कहने पे और उनकी मांग को भावनाओं को ध्यान में रख, जन मानस की भावना ध्यान में रखते हुए ही लिखी चिट्ठी और खुला पत्र इसीलिए लिखा कि वो मुख्यालय पे बने, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद और पूरा पहाड़ी इलाका है और हर चीज़ के लिए वो खरगोन पे मुख्यालय पे डिपेंड है, चाहे मेडिकल हो, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे और अन्य कोई भी चीज़ें हो, सब खरगोन मुख्यालय, हमारा SDM कार्यालय भी खरगोन मुख्यालय, तो सारी चीज़ें लोगों को यहीं आना पड़ता है, अगर किसी चीज़ के लिए आए तो उसको हर चीज़ की सुविधा मिल जाए, इसलिए मुख्यालय पे बनने से आम लोगों को उसका एक लाभ मिल सके, ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही ये जो देरी हुई इसमें, देरी हुई है निश्चित तौर पे हम हमारी घर मानते हैं कि बिल्कुल देरी हुई, ये चीज़ें जब जिला अलग अलग हुआ, बड़वानी जिला अलग हुआ, खरगोन जिला हुआ, तो पूर्व से ही खरगोन जिले का जिला अस्पताल बड़वानी था जी और मुख्यालय जिला यहाँ था, उस समय भी हम लोग नहीं कर पाए मांग, करना चाहिए थी, ये देरी ज़रूर हुई, जनता के जो एक आम सुविधा के लिए जो जल्दी हो जाना चाहिए अभी आज मांग उठ रही है और निश्चित तौर पे हम सबको मिल के इस ओर काम करना चाहिए और इसको सार्वजनिक रूप से देखा जाए, किसी पार्टी से या किसी व्यक्तिगत तौर पे इसको नहीं देखा जाए। यानी आपका कहना स्पष्ट है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की मांग जो है ये राजनीति जाति धर्म सबसे परे है, मानवता की सेवा है और इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के जो आदिवासी बहुल जनसंख्या है उनका आवश्यकता है उच्च चिकित्सा संसाधनों की, तो क्षेत्र में जनता भी यही मांग कर रही है कि सारे राजनीतिक जो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष हों सभी प्रतिनिधि एक मंच पे आएँ और आगे बढ़ें, लेकिन पिछले 2 महीने से ये सारी उहापोह चल रही है और अभी तक जनप्रतिनिधि एक मंच पे खड़े होकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात लेकर नहीं जा पाए हैं, तो ये आखिर देरी क्यों हो रही है? जब सब तैयार हैं, पत्र दे चुके हैं, तो फिर देरी क्यों हो रही है? नहीं, इस संबंध में बता दूं पांडे जी कि हम लोग एज ए विधायक सभी लोगों की आपसी में चर्चा हुई और सब लोगों की मंशा है कि ये अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है मेडिकल कॉलेज और उसको स्वीकृत करा के जिला मुखिया पर लाने के लिए सब लोगों ने आपसी में बातें भी की है और समय आने पे प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री जी से सब मिलने की बात भी कही है, पर ये कोरोना काल चल रहा है
अभी बैठकें हो नहीं रही है। क्या तो, सांसद जी से भी चर्चा हुई इस संबंध में आपके? जी, सांसद जी ने अपनी बात कही है आप लोगों के माध्यम से, वैसे व्यक्तिगत तौर पे हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और उनकी मंशा भी है कि होना चाहिए, लेकिन आगे क्या हो ये नहीं, पर हमारे विधायक लोगों में लगभग सचिन भाई से अपने बिरला जी से जी। हिमा सोलंकी जी से, अपने रवि भाई से, ये सब लोगों ने कही है कि बात बनना चाहिए, सार्वजनिक तौर से ये बात हो, और पत्र भी लिखा है उन लोगों ने, और समय आने पे मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश सरकार से भी खरगोन जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज नवीन खुलवाने की बात रखी जाएगी। मतलब आप पूरी तरह से इसके समर्थन में हो, और कभी आवश्यकता पड़ी है तो आप फ्रंट लाइन में भी जाने को तैयार हैं कॉलेज के लिए? पांडे जी, मैं खुली तौर से बता दूं कि मुझे ने जो जनता ने जिस हिसाब से वोट दे के आदिवासी क्षेत्र से चुनाव जीता के निर्दलीय रूप में, ना इधर ना उधर, उनकी भावनाओं को उन्होंने जो एक विश्वास जताया मुझे जी, हाँ, उस विश्वास को लेके मैं उनके कामों के लिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो, उनके सामने में बिल्कुल खुले तौर से खड़ा रहूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, और एक जनप्रतिनिधि में यही भावना होना चाहिए कि वो जनता की भावना और जनता के जो विश्वास जो वोट के रूप में व्यक्त करते हैं, समय आने पर वो विश्वास उनको संसाधनों के रूप में, विकास के रूप में वापस लौटा है। केदार सिंह जी ने वही बताया कि वो जन भावनाओं को देखते हुए, उनके विश्वास को देखते हुए हर चीज़ में वो आगे रहेंगे, और उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर उनका खुला समर्थन है, और इस जन आंदोलन में जहाँ भी संघर्ष की आवश्यकता होगी वो उसके लिए तत्पर रहेंगे। केदार सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तीसरी और चौथी लहर अभी आने वाली है, लेकिन कोई तय नहीं है कि कब तक आएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो 5 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें कुछ कोरोना की ये संक्रमण देखने को मिल रहा है, ब्लैक फंगस एक नई बीमारी इसके साथ शुरू हो गई है। आगामी जो ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, तो आप क्राइसिस कमेटी के मेंबर भी हैं, आपने वहाँ बात भी रखी होगी, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपके क्षेत्र में अभी नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या संसाधनों को लेकर, जो आप चाहते हैं कि वो तत्काल वहाँ पे वो स्थापित की जाए, ताकि आने वाली जो भी समस्याएं, जो विकट परिस्थितियां हो, उसमें उस क्षेत्र के लोगों को भटकना नहीं पड़े? पांडे जी, बात सही है, चर्चाओं में भी है, वैज्ञानिक लोग भी बता रहे हैं कि तीसरी और चौथी लहर कहीं जगह आ गई, कहीं आने वाली है, हमारे यहाँ भी देश में भी उसकी प्रवेश हो गया, ऐसी चर्चाओं में भी है। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही मैं कोई समाचार पत्र जानकारी आया कि बॉम्बे और अहमदनगर में करीब 5-6 हज़ार बच्चों को ये इसमें ये वायरस पाया गया है जी। तो निश्चित तौर पे ये एक हमारे को आगाह कर दिया है, और तीसरी और चौथी लहर के लिए हम जो दूसरी से अभी निपटने में आए, दूसरी और तीसरी के लिए हम लोगों ने क्राइसिस कमेटी में भी बात की है, और बच्चों के ऊपर ये वायरस अभी आ रहा है, तो हमने क्राइसिस कमेटी में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत कम लोग हैं, उन लोगों के साथ शिशु रोग, दूसरे जो मेडिकल अफसर हैं उनकी आपसी में बैठक करा के एक एक दूसरे की जो ऐसे समय में इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसा इसके रोकथाम के लिए किया, इस संबंध में बैठक करवाई है और आगे भी हम करवा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जो मेरे स्वास्थ्य केंद्र हैं, बिस्टान है, सेगांव है, भगवानपुरा है, बरूड है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दर्जे के हैं, यहाँ पे बिस्टान और अपना जो केली है, ये जो स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनको उन्नयन करने के लिए हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने के लिए, और जो भगवानपुरा और सेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बरूड स्वास्थ्य केंद्र है, इन स्वास्थ्य केंद्रों में आगामी इस वायरस को
और इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की कमी पूर्ति, स्वास्थ्य अमले की कमी पूर्ति और वहाँ जो इक्विपमेंट जो संसाधन लगेंगे इसको अभी से वहाँ रिक्वायरमेंट करके तैयारी करने के हम प्रयास कर रहे हैं। और शासन से हमने एक पत्र भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे क्षेत्र के इन स्वास्थ्य केंद्रों पे जल्दी से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बढ़ाने के लिए स्वीकृति जारी करें ऐसा प्रयास किया है हम लोगों ने। और हम जल्दी फिर से और एक पत्र लिखेंगे कि इन स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जे वहाँ ICU बेड 10-10 बेड के जो उसमें बच्चों के लिए भी अलग से सुविधा हो ऐसे तैयारी जल्दी करके वहाँ बना दिए जाएं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पूरा रायसा से सीधा जिला मुख्यालय पे नहीं आए क्योंकि हर चीज़ के लिए जिला मुख्यालय पे डिपेंड हो गए तो यहाँ जो सुविधा है यहाँ जो बेड की भी कमी पड़ जाती है और अन्य सुविधाओं की भी कमी पड़ जाती है तो जो प्राथमिक ट्रीटमेंट अगर हमारे क्षेत्र में ही हो जाता है तो सीरियस केस ही यहाँ आएंगे तो ताकि यहाँ ज़्यादा अच्छा तरह से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं होगा और वहीं इलाज मिल जाएगा तो आदमी भी को भी तसल्ली हो जाएगी कि हमको यहीं सुविधा मिल गई। केदार सिंह जी आप बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए और आपने कहा कि तीसरी चौथी लहर के लिए भी जो वहाँ पे आवश्यक संसाधन होना चाहिए स्वास्थ्यगत उसके लिए भी आपने जिला प्रशासन क्राइसिस कमेटी में बात रखी और प्रयास भी कर रहे हैं आप और विकास को लेकर भी हमने आपके क्षेत्र में कई चीज़ें सुनी। एक सड़कों का जाल सा आप बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, गाँव तक पानी पहुँचाने का आपने जैसा बताया कि आपका प्रयास है और काफ़ी हद तक आपने वो किया भी है। सबसे मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि वर्तमान में आप निर्दलीय विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जनता को जो भी सुख सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं क्या आगे भी अब आप निर्दलीय रूप से ही ये कार्य करते रहेंगे या फिर से कांग्रेस या भाजपा जैसे कि आपको ये चर्चाएं भी चल रही थी कि दोनों तरफ से आपके हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं तो आपकी भूमिका निर्दलीय ही रहेगी या किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का मन में विचार है? वो अच्छा सवाल आपने काले जी कर दिया। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मुझे जिस रूप में जनता ने चुन के भेजा है मैं उसी रूप में हूँ, ना कहीं इधर ना कहीं उधर। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप सभी जानते हो, प्रदेश भी जानता है, देश के सारे लोग जानते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो है कांग्रेस की है। मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूरी खानदान, पूरी सब पूरी खून में जी। ये समय ऐसा आया था ये चुनाव में कि लोगों ने एक उनकी जो मन की भावना थी कि क्षेत्र में काम हो, जितने भी जनप्रतिनिधियों को पहले चुना था शायद वो उनकी भावनाओं पे खड़े नहीं उतर पाए और वो क्षेत्र में जो काम रुके पड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको पूरा करना देखना चाहते थे। और उन लोगों ने मुझमें ये चीज़ देखी कि शायद मैं समझता हूँ, इसी कारण मुझे सब पार्टियों से हटके सारे लोग एक जगह थे। पूरी कांग्रेस जब चुनाव लड़े जी हाँ, उम्मीदवार जो हमारा पार्टी का था उसको छोड़ के या कुछ लोग छोड़ के बाकी पूरी क्षेत्र की मेरे क्षेत्र की जनता कांग्रेस मूलतः जी जनता और हमेशा वो रही साथ में तो पूरे लोग मेरे साथ और उसी का परिणाम रहा कि आदिवासी क्षेत्र में एक इतिहास ही होगा कि निर्दलीय चुनाव जीत के जीत जाना। मैं नहीं जीता, हालांकि जनता ने चुनाव जीता है जी, लेकिन निर्दलीय रूप में चुनाव जीतना आदिवासी क्षेत्र में एक चुनौती, हम लोग चुनौती भी है और लोग कहते हैं एक सामान्य भाषा में जी, कि कोई सुसाइड कर लेता है और पढ़ा लिखा अच्छा समझदार है, लोग कहते हैं यार पढ़ा लिखा समझदार है सुसाइड कैसे कर लिया। तो वही ये राजनीति में एक जो काम है
जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, आत्महत्या के समान है, एक सुसाइड आत्महत्या के समान है, लेकिन लोगों ने बचा लिया। तो आपने उसको झूठा सिद्ध किया और सही है, और जो कहावत जो थी लोगों ने उसको झूठा झूठला दिया और उन्होंने बहुत भरोसा किया है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इस बचे हुए कार्यकाल में मेरे क्षेत्र के लोगों की जो जो अपेक्षाएं हैं उसको हर संभव पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा, और जो भी सरकार रही उनके समक्ष निर्दलीय रूप में रह के मैं उनसे जो मेरे क्षेत्र की जनता के लिए जो काम ला सकूँ मैं लाने का प्रयास करूँगा। आज के इस कार्यक्रम में कुछ जो सामने आई सबसे बड़ी बात वो ये आई कि अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं से जुड़े हो, आप उनके दर्द को नज़दीक तक जाकर के पहचानते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल या किसी सिंबल को साथ में लेकर ही आप जनता की भलाई कर सकते हैं, उनके लिए आप विकास कार्य कर सकते हैं। भगवानपुरा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने यह स्पष्ट कर दिया। एक लंबा 4 दशक का उनका पारिवारिक राजनीतिक जीवन रहा कांग्रेस के साथ, लेकिन निर्दलीय रूप से लड़कर और अपने क्षेत्र में उन्होंने वो सौगातें ले जाकर वो संसाधनों के लिए संघर्ष करके ये साबित कर दिया कि अगर आप में संघर्ष और संवेदनाएँ हैं तो आप निर्दलीय रहकर भी अपने क्षेत्र के लोगों का विकास कर सकते हैं, उनको सुविधाएँ दिला सकते हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेडिकल कॉलेज के लिए उनका खुला समर्थन है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है अपने जाते जाते कि वो निर्दलीय भूमिका जो कि जनता ने उन्हें जिस भूमिका के रूप में जिस रूप में उनको स्वीकार किया निर्दलीय के रूप में, वो आगे भी इसी निर्दलीय विधायक की भूमिका में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में केदार जी आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको आपके क्षेत्र के विकास के लिए, और जो कोरोना काल आ रहा है उसमें जो आपने आप जो प्रयास कर रहे हैं वो सही हो साबित हो। पहली बात हम ये कहेंगे कि ये लहरें आए ही नहीं, लेकिन आए भी तो हम उनसे डटकर मुकाबला करें। आज सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर किसी राजनीतिक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे और पूछेंगे उनसे जनता से जुड़े हुए सवालात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।